देखिए सवाल नंबर आठ कहता है कि गुणनखंड द्वारा निम्नांकित का वर्गमूल ज्ञात करें ठीक है ये सब आपको संख्या दिया हुआ है और सभी का वर्गमूल निकालना है गुणनखंड विधि द्वारा ठीक है तो आइए सभी सवालों को हम सॉल्व करते हैं तो देखिए सवाल को हम यहाँ पे लिख लिए हैं सवाल नंबर एक आठ का पहला सवाल छत्तीस है और इसको गुणनखंड विधि के द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना है ठीक है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि छत्तीस का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो देखिए इसको दो से लगाएंगे तो अठारह बार में कटेगा फिर अठारह को दो से लगाएंगे तो नौ बार में कट जाएगा फिर नौ को दो से दो से नहीं कटेगा तीन से कटेगा ठीक है तो ये तीन बार में कट जाएगा फिर तीन तीन से कटेगा एक बार में यानी कि छत्तीस का अभाज्य गुणनखंड किए तो देखिए ये सब अभाज्य गुणनखंड आया है तो इसको हम लिखेंगे छत्तीस को दो गुना दो गुना तीन गुना तीन देखिए जितने भी अभाज्य गुणनखंड है सभी को गुना के रूप में हम यहाँ पे लिख दिए ठीक है अब वर्गमूल के अंदर में देखिए दो संख्या जो है ये दो बार गुना के रूप में है तो वर्गमूल का ये नियम होता है कि अगर वर्गमूल के अंदर में दो गो संख्या गुना के रूप में है तो एक आप बाहर निकाल सकते हैं ठीक है फिर देखिए तीन दो बार है तो एक तीन को बाहर निकाल लिए तो द्वितीया छ यानी कि छत्तीस का वर्गमूल कितना होगा छ होगा ये आपका आंसर हो गया नंबर दो देखिए दो में कितना है सोलह दिया हुआ है यानी कि सोलह का वर्गमूल निकालना है गुणनखंड विधि द्वारा तो पहले सोलह का हम गुणनखंड करेंगे ठीक है तो यहाँ देखिए सोलह दो से कटेगा आठ बार में फिर आठ दो से कट जाएगा चार बार में फिर चार दो से कट जाएगा दो बार में फिर दो को दो से काटेंगे तो एक बार में कट जाएगा अभाज्य गुणनखंड में जब एक आ जाए तो समझ जाइएगा कि आपका अभाज्य गुणनखंड कंप्लीट हो गया है ठीक है यानी कि सोलह का जब हम अभाज्य गुणनखंड किए <की>; तो आया है दो गुना दो गुना दो गुना दो देखिए एक दो तीन चार बार दो है तो दो को हम चार बार गुना कर दिए फिर इसका वर्गमूल निकालना है देखिए वर्गमूल के अंदर में दो का पेयर बना तो एक दो बाहर निकल गया फिर दो का पेयर बना हुआ है तो एक दो बाहर निकल गया दो में दो से गुना करेंगे चार यानी कि सोलह का वर्गमूल होगा चार सवाल नंबर तीन यहाँ पर देखिए एक सौ है और एक सौ का वर्गमूल ज्ञात करना है ठीक है तो पहले हम इसका गुणनखंड करेंगे तो देखिए एक सौ एक सौ सबसे पहले दो से कटेगा कितना बार में तो बहत्तर बार में बहत्तर दो से कट जाएगा छत्तीस बार में फिर छत्तीस को दो से हम काटेंगे तो ये कटेगा अठारह बार में अठारह फिर दो से कटेगा नौ बार में दो से नौ नहीं कटेगा तीन से कटेगा तीन बार में और तीन कटेगा तीन से एक बार में ठीक है तो एक सौ चौवालीस को हम गुणनखंड किए तो ये सब आया है गुणनखंड तो इसको देखिए यहाँ पे लिखते हैं दो कितना बार है एक दो तीन चार बार तो यहाँ लिखेंगे दो गुना दो गुना दो गुना दो ठीक है फिर तीन दो बार है तो यहाँ लिखेंगे तीन गुना तीन अब देखिए दो दो बार है गुना में तो इसको लिखेंगे दो का घात दो गुना फिर दो दो बार है तो इसको लिखेंगे दो का घात दो फिर देखिए तीन दो बार है तो इसको भी लिखेंगे तीन का घात दो यानी कि इसका गुणनखंड किए तो इतना आया है इसका वर्गमूल निकालना है तो देखिए एक सौ चवालीस का वर्गमूल्य करना है तो इसको भी हम ऐसे लिखेंगे दो का घात दो का घात दो गुना तीन का घात दो अब देखिए वर्गमूल के अंदर में दो का घात दो है यानी दो का वर्ग है तो एक दो इसमें से बाहर निकल जाएगा इसका मतलब हुआ देखिए दो का घात दो इसका मतलब ये होता है कि दो गुना दो यानी कि इसमें दो दो बार गुना के रूप में लिखा हुआ है तो इसमें से एक दो हम बाहर निकाल लेंगे ठीक है फिर यहाँ पे देखिए यहाँ गुना है तो गुना लिखे दो का घात दो है यानी कि दो इसमें दो बार है तो एक दो को बाहर निकाल लेंगे फिर तीन का घात दो है तो एक तीन इसमें से भी बाहर निकल गया तो दो दूनी के चार और चार तिया बारह यानी कि एक सौ चौवालीस का वर्गमूल बारह होगा देखिए सवाल नंबर चार इसमें है एक सौ छियानवे ठीक है और इसको गुणनखंड के द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना है तो सबसे पहले हम एक सौ छियानवे का गुणखन करेंगे तो एक सौ छियानवे दो से कटेगा देखिए दो नवा अठारह दो अठी सोलह फिर दो से कटेगा दो चौके आठ दो नवा अठारह अब ये सात से कट जाएगा सात बार में फिर सात कटेगा सात से एक बार में ठीक है तो एक सौ तो छियानवे का जब हम गुणनखंड किए तो देखिए ये सब गुणनखंड के रूप में आया है तो यहाँ पे हम लिखेंगे दो गुना दो गुना सात गुना सात ठीक है देखिए एक सौ छियानवे का वर्गमूल ज्ञात करना है ठीक है यानी कि दो गुना दो और सात गुना सात है तो इसका भी वर्गमूल ज्ञात कर देंगे तो दो बार है गुना में तो एक दो बाहर निकल गया वर्गमूल के अंदर में सात गुना सात है तो एक सात बाहर निकल गया तो दो सत्य चौदह यानी कि एक सौ छियानवे का वर्गमूल चौदह होगा देखिए सवाल नंबर पाँच इसमें दिया हुआ है पाँच सौ उनतीस सवाल पाँच में पाँच सौ उनतीस है और इसका वर्गमूल ज्ञात करना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे ठीक है पाँच सौ उनतीस का तो देखिए पाँच सौ उनतीस है तो ये पाँच सौ उनतीस कटेगा तेईस से तेईस से इसको भागा दीजिएगा तो तेईस बार में कट जाएगा ठीक है फिर तेईस तेईस से ही कटेगा एक बार में यानी कि इसका जब हम गुणनखंड किए तो गुणनखंड आया है तेईस गुना तेईस ठीक है इसका वर्गमूल ज्ञात करना है तो देखिए पाँच सौ उनतीस का वर्गमूल यानी कि तेईस गुना तेईस का वर्गमूल ठीक है वर्गमूल के अंदर में ये दो बार गुना के रूप में है तो एक बाहर निकल जाएगा यानी पाँच सौ उनतीस का वर्गमूल होगा तेईस सवाल नंबर छः यहाँ दिया हुआ है चार सौ और चार सौ का वर्गमूल ज्ञात करना है गुणनखंड द्वारा तो पहले हम चार सौ का गुणनखंड कर लेंगे तो देखिए चार सौ को दो से काटेंगे तो कट जाएगा कितना बार में दो सौ बार में ठीक है फिर दो सौ को दो से काटेंगे तो ये सौ बार में कटेगा फिर सौ को दो से काटेंगे तो पचास बार में कटेगा फिर पचास को दो से काटेंगे तो पच्चीस बार में कट जाएगा पच्चीस पाँच से कटेगा पाँच बार में और पाँच पाँच से कटेगा एक बार में ठीक है तो चार सौ का जब हम गुणनखंड किए तो देखिए दो कितना बार आया है चार बार और पाँच आया है दो बार तो इस सभी को गुना के रूप में हम लिखेंगे तो यहाँ देखिए लिखेंगे दो गुना दो गुना दो गुना दो गुना पाँच गुना पाँच ठीक है दो चार बार है तो चार बार गुना किए पाँच दो बार है तो दो बार गुना किए और इसका वर्गमूल ज्ञात करना है तो वर्गमूल का चिन्ह लगाएंगे देखिए वर्गमूल के अंदर में दो दो बार गुना के रूप में है तो एक दो को बाहर निकाल लेंगे फिर गुना है फिर देखिए दो दो बार गुना है तो इसको एक दो बाहर निकाल लेंगे पाँच भी दो बार गुना के रूप में है तो एक पाँच को बाहर निकाल लेंगे तो दो दून के चार और चार पचे बीस यानी चार सौ का वर्गमूल होगा बीस देखिए सवाल नंबर सात इसमें दिया हुआ है नौ सौ ठीक है और इसका वर्ग ज्ञात करना है तो सबसे पहले क्या करेंगे कि नौ सौ का गुणनखंड करेंगे यहाँ देखिए नौ सौ नौ सौ को दो से हम काटेंगे तो ये कट जाएगा साढ़े चार सौ बार में ठीक है फिर साढ़े चार सौ को दो से काटेंगे तो कटेगा दो सौ पच्चीस बार में फिर देखिए दो सौ पच्चीस तीन से कट जाएगा तीन सत्तर इक्कीस और तीन पचे पंद्रह फिर तीन से पच्चीस पचहत्तर कटेगा पच्चीस बार में फिर पच्चीस पाँच से कटेगा पाँच बार में पाँच को फिर पाँच से भागा देंगे तो कट जाएगा एक बार में ठीक है यानी कि दो दो बार हुआ तीन भी दो बार आया है और पाँच भी दो बार आया है यानी कि नौ सौ को जब हम गुणनखंड किए तो गुणनखंड आया है दो गुना दो गुना दू, तीन गुना तीन गुना पाँच गुना पाँच ठीक है इसका वर्गमूल ज्ञात करना है तो वर्गमूल का चिन्ह लगा दिए देखिए दो दो बार गुना के रूप में है तो एक दो हम बाहर निकाल लिए तीन भी दो बार गुना के रूप में लिखा हुआ है तो एक तीन बाहर निकल गया पाँच भी गुना के रूप में है तो एक पाँच बाहर निकल गया तो दू तीया छः और छः पचे तीस नौ सौ का वर्गमूल तीस होगा देखिए सवाल नंबर आठ इसमें दिया हुआ है बारह सौ पच्चीस ठीक है और इसका वर्गमूल ज्ञात करना है गुणनखंड द्वारा तो पहले बारह सौ पच्चीस का गुणनखंड करते हैं बारह सौ पच्चीस कट जाएगा पाँच से दो सौ पैंतालीस बार में ठीक है फिर दो सौ पैंतालीस को पाँच से काटेंगे तो ये कटेगा उनचास बार में फिर उनचास को काटेंगे सात से तो ये कट जाएगा सात बार में फिर सात को सात से काटेंगे तो कट जाएगा एक बार में यानी कि इसका गुणनखंड किए तो देखिए ये सब गुणनखंड आया है इसको गुणनफल के रूप में लिखेंगे तो पाँच गुना पाँच गुना सात गुना सात ठीक है वर्गमूल ज्ञात करना है तो वर्गमूल का चिन्ह लगा देंगे देखिए वर्गमूल के अंदर में पाँच दो बार गुना के रूप में है तो एक पाँच बाहर आ जाएगा गुना सात भी देखिए दो बार गुना में है तो एक सात बाहर आ जाएगा पाँच सत्य पैंतीस यानी कि बारह सौ पच्चीस का वर्गमूल पैंतीस होगा सवाल नंबर नौ इसमें दिया हुआ है सात सौ उनतीस ठीक है वर्गमूल ज्ञात करना है तो सबसे पहले सात सौ उनतीस का अभाज्य गुणनखंड करेंगे देखिए सात सौ उनतीस तीन से कटेगा दो सौ बार में दो सौ तीन से कट जाएगा इक्सी बार में फिर एकासी को तीन से काटेंगे तो ये कटेगा सत्ताईस बार में सत्ताईस तीन से कटेगा नौ बार में नौ तीन से कटेगा तीन बार में और तीन तीन से कट जाएगा एक बार में तो एक दो तीन चार पाँच छः यानी कि इसको जब गुणनखंड किए तो देखिए गुणनखंड आया है तीन गुना तीन गुना तीन गुना तीन गुना तीन गुना तीन, गुना, तीन। एक दो तीन चार पाँच छः ठीक है वर्गमूल याद करना वर्गमूल कर है तो वर्गमूल का चिन्ह लगा दिए देखिए वर्गमूल के अंदर में तीन का पेर पेयर है तो एक तीन बाहर निकल गया फिर देखिए तीन का पेयर है तो एक तीन बाहर निकल गया फिर तीन का पेयर है तो तीन बाहर निकल गया तो तीन तिया नौ नौ सत्ताईस यानी सात सौ उनतीस का वर्गमूल सत्ताईस होगा सवाल नंबर दस इसमें दिया हुआ है सत्रह सौ चौसठ और इसका वर्गमूल ज्ञात करना है तो सबसे पहले सत्रह सौ चौसठ का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो देखिए सत्रह सौ चौसठ दो से कट जाएगा आठ सौ बरासी बार में फिर इसको दो से काटेंगे तो ये कट जाएगा चार सौ इकतालीस बार में चार सौ इकतालीस अब तीन से कटेगा एक सौ सैतालीस बार में फिर देखिए एक सौ सैंतालीस को तीन से काटेंगे तो ये कट जाएगा तीन चौके बारह और तीन नमा सत्ताईस फिर उनचास को काटेंगे सात से तो सात बार में कटेगा फिर सात को सात से काटेंगे तो एक बार में कटेगा। तो <coughs> so, इसका भाज गुणनखंड किए तो देखिए इस आया है भाज गुणनखंड तो इनको गुणनफल के रूप में लिखेंगे तो लिखेंगे दो गुना दो गुना तीन गुना तीन गुना सात गुना सात ठीक है दो दो बार है तो दो बार गुना किए तीन दो बार है तो दो बार गुना किए सात भी दो बार है तो दो बार गुना किए ठीक है इसका वर्गमूल ज्ञात करना है तो वर्गमूल का चिन्ह लगाएंगे देखिए दो दो बार है तो एक दो बाहर निकल जाएगा गुना तीन भी दो बार है तो एक तीन हम बाहर निकाल लेंगे फिर देखिए सात दो बार है तो एक सात को बाहर निकाल लेंगे दो तीया छः छः सते बयालीस यानी कि इसका वर्गमूल बयालीस होगा